आपको एक न्यूज़ बताती हूँ, मेरे पति देव अपना वॉलेट घर ही भूल गए। बाबू कहाँ आया? बाबू आगे बढ़ चैन डाल दो। विष्णु महाराज। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम पहला। आज एक नई दिन की शुरुआत एक नई ब्लॉग के साथ करते हैं। तो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी 12 बजे से और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी। तो हल्द्वानी के रास्ते में जो कुछ भी हमारे साथ होगा या आज के दिन में हम जो कुछ भी करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। और आज का मौसम देखो, आजकल ना पहाड़ों में कितनी धुंध छाई हुई है, क्योंकि जंगलों में ना आग लग रही है, इसकी वजह से पहाड़ों में बड़ी धुंध छाई हुई है और धूप भी थोड़ी अजीब अजीब सी आ रही है। और एटमॉस्फेयर तो इतना मेरे को पॉल्यूटेड लग रहा है, क्योंकि अजीब सी स्मेल आ रही है, जली जली हर जगह से। और जो भी होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। वैसे अभी मैं विहान को मैंने तैयार करना है, सिर्फ मैं और माही रेडी हो रखे हैं। तो अभी माही और मैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखो माही को आज हेलो गाइस, मौसी का कुर्ता पहन के चमक रही है। और अब विहान को मैं तैयार करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। वैसे विहान अभी चाची के साथ है, अभी तो इन लोगों का अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पे हैं ये लोग, ये देखो नाच रहे हैं ये लोग, नाच रहे हैं। विहान चल 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 चल, ड्रेस पहनेगा कुछ लो तुम, बस ये अपने आप को देख के डांस कर रहा है, कितना खुश हो रहा है। आगे बोल दे, आगे वो देख, तो फैन देखो, फैन किधर है? तो गाइस विहान को भी तैयार कर दिया है, 12:30 हो गया है और इसके डैडी भी आ गए हैं, निकल गए मतलब वहां से। इसको पकड़ो विहान, इसकी थोड़ी चोटी वोटी ठीक कर देती हूँ। इसके डैडी भी आ चुके हैं और अब हम सामान वामान सब रख लिया है, बस चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं है। दरवाजे दरवाजे ये यहाँ पर एक ये रोशनदान खुला है, लग गया बस ऊपर भी सब रख लिया है। अब चलते हैं, विहान तो वॉक करने लग गया है। ओए मेन आदमी, जा 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 जाओ 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 जाओ। अबे यारो चलो, केला के नीचे रख दिया और चढ़ने के लिए देख तू केला पे देखो तो इस टाइम पे देखो लड़की, चलो चलो चलो। चलो चलो चल रंजना, बाय बाय चलो, वो देख तो बाय बाय, मम्मा नहीं आ रही, बाय, उसे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस अब हम निकलते हैं, जैसे 1 बजने वाला होगा। चलो एक घंटा लेट है हम, पता है आपको कहाँ कहाँ जाने का? सोच रहा था 1 बजे जूडियो बाहर जीरो दिल्ली चाट, वही तो। और क्या मॉल विशाल, अरे यार मैंने वॉलेट नहीं लाया पीछे तुम्हारे, इसको पैसे दूंगा 10-20 रुपए। हाँ क्यों, पहुंच चुके हैं सेरा घाट। और आपको एक न्यूज बताती हूँ, मेरे पति देव अपना वॉलेट घर ही भूल गए। तो अभी गए हैं यहाँ पे अपने बैंक में, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं पड़ा है, बिना वॉलेट के कैसे चलेगा। तो ये देखो ये मेरा फोन यूज कर रही है अपने बाल बनाने के लिए, पुत्र मेरा सो रखा है, नहीं दे रहे हैं करेंगे ना। अरे नहीं आप बुधवार है, नॉन बैंकिंग होता है। ओहो क्या हो, तो गाइस हमें कैसे कुछ नहीं मिला, देखो ऐसा हो गया इनके साथ आज। गुगली होगी तुम्हारी आज, क्यों गुगली ठहरी है? मोबाइल में है तो सही, पता कैसे नहीं है ना यार। धौलछीना पहुंच चुके हम,
और ये लोग कुछ खाने के लिए गए हैं। बाहर आ जाओ, भी थोड़ा खा लो। हवा खा लूगा, बस मेरी जिंदगी में अब हवा खाना ही तो बचा है। इसको मिर्ची खिला दो, मिर्ची देख भी रहा है, मिर्ची की ओर देख भी रहा है। नमक और मिर्चा खाऊंगा, मजा आ रहा है सही लग रहा भाई। मैं भी खा लेती बट नहीं खा सकती हूँ यार, ध्यान तो गाड़ी की चाबी खा रहे। शोना विहान बर्ड आ गई, बर्ड ओए जबरूलाल। सॉरी के लिए रख लो, भाव के लिए भी रख दो यार, माई को भी दे दो, कुरकुरे उरकुरे कुछ खाती है तो। और कोई दिक्कत होती है ऐसे देख रहे हो? इसको इसके लिए लेज ला दो यार, सुनो ठंडा लग गया। माई तो कुरकुरे खाएगी या लेज खाएगी? लेज पीला वाला ना। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लोधिया और इसके पापा गए मिठाई लाने के लिए। मैं तो कुछ भी नहीं खा रही क्योंकि मुझे ना उल्टी करने का जैसा हो रहा है। आज सुबह जब से उठी हूँ ना, मतलब आज सुबह जाना है कहने में ही, मतलब मेरा पेट घूमने लग गया था। अभी हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। टाइम कितना हो गया है? 5:27। यहाँ पे नींबू सोडा पीना था बट यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। ये देखो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रखी है। तो गाइज़ अभी रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम भीमताल से नीचे को आ ही रहे थे, एक कूड़े की गाड़ी में ना आग लगी है। अभी जाके देखते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं कैसा मंजर हो रहा है। सब लोग यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है, आगे बहुत ट्रैफिक हो रखा है। इसके पापा भी गए हैं देखने के लिए, थोड़ी देर में हम भी जाएंगे तो जो भी होगा आपको दिखाया जाएगा। ये देखो इतनी सारी भीड़ हो रखी है, सब लोग जाने में। देखो तो गाइज़ ये है वो ट्रक जिसमें आग लग रखी है और ये कूड़े का ट्रक है और इसके लिए फायर ब्रिगेड का वेट हो रहा है, मतलब जो फायर ब्रिगेड वालों का। तो गाइस हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और अब अंधेरा भी हो गया है काफ़ी। अभी तक तो उजाला ही हो रखा था और अभी रास्ता भी खुल गया है, शायद जो भी हुआ होगा आगे। और विहान भी उठ गया है मेरा। क्या हो रहा है वहाँ, आपने देखा क्या हो रहा था? नहीं नहीं अब चले गया फिर वो ट्रक, कैसे जाएगा तो चला हुआ ट्रक वहीं पे है। पानी वानी वाले आगे होंगे फायर ब्रिगेड वाले, तो फायर ब्रिगेड वालों ने थोड़ा रास्ता खोल दिया। अब चलते हैं हम घर को, वैसे काफ़ी टाइम हो गया। हमने तो सोचा था कुछ और ही प्लान था, मतलब हम लोग का कि थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने का, बट अब नहीं हो पाएगा। और अब 7 बजने वाले हैं, हमें पहुँचने में भी टाइम लग जाएगा, आधा घंटा तो लग जाएगा ना यहाँ से, आधे घंटे से ज़्यादा ही भी लग जाएगा। तब अब सीधे जाके खाने खाएंगे यार, अब कहीं नहीं जाने। चलो चलो चलो। तो गाइस ये ट्रक है वो, देखो कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। हम तो निकल ही गए, मतलब फाइनली स्मेल भी इतनी गंदी आ रही है कूड़े की इस साइड वाले की और इतनी भीड़ आ रही है। कहाँ बुझेगी फिर इतनी जल्दी यार, ये देखो इतना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ, सब लोग रुके पड़े हैं। बाप रे स्मेल भी कितनी गंदी आ रही है ना, बहुत गंदी बाप रे यहाँ तक, क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर को उसने पॉल्यूट कर दिया ना। ऊपर देखो मासी, ऊपर ऊपर उतना हो रखा है बाप रे, वो देखो तो
ऊपर वाली रोड पूरी भर रखी है। देखो ना नीचे तक हो गई है मोड़ तो एक घंटे से कितना नहीं होगा यार। एक तो आधे लोग तो वैसे ही डर गए होंगे, इतनी आग लग रखी है उसमें करके। एक तो गैस की गाड़ी थी, एक बाइक वाला आया उसी से टायर फट गया उसका। हे बाइक वाले का? अरे नहीं नहीं उसका आवाज आई जोर से, मैंने भी सुना जो पटम करके जैसे पटाखा डागा टाइप का चला, वो चल गया था गया डर गया। हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली चाट, चाट वाट कुछ खाने। वैसे मुझे भूख भी लग गई है। हैं वैष्णव वो देखो, वैष्णव वो देखो, वो देखो, ये भी कर दो। हेलो गोलगप्पे लवर को, कब से तरस रहे होंगे दिल्ली चाट के गोलगप्पे खाने को। ये देख तो इसको, इसके काम तो देखिए ऐसे पकड़ो। तो गाइस हमने चाट वाट खा लिए, गोलगप्पे खा लिए और अब जाते हैं घर को। वैसे थकान भी बहुत होती है, मुझे तो मिर्च भी बहुत लग गई। पहुंच गए हम फाइनली। हेलो गाइस, मेरा पुत्र कहाँ है फिर? लेकिन ये पुत्र को छोड़ के आ गया वहाँ। वैसी चैन ही चैन है उसकी जिंदगी में। ले पकड़ो इसको, फैन चलने लग गया, खुश हो गया। क्योंकि आज सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गए थे और मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं और मैं अपना व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।